नमस्कार, आई एम अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ राग खमाज। राग खमाज का छोटा सा परिचय आपके सामने पहले प्रस्तुत करूँगा और फिर इसमें कुछ आलाप दिखाऊँगा और बताऊँगा कि आलाप इसमें कैसे आप बजा सकते हैं। आइए, इसके लिए ले रहा हूँ मैं जी बेस पूनम फ्लूट। बैकग्राउंड में तानपुरा भी रख रहा हूं। आरोह इस प्रकार है, सा, आरोह में सा गा, शुद्ध मा यानी हाफ नोट मा, पा धा, शुद्ध नी और सा, यानी आरोह में 6 स्वर लगाएंगे और अवरोह में 7 स्वर लगाएंगे। सा कोमल नी, धा पा मा गा रे सा। राग खमाज शाडव और संपूर्ण जाति का राग है। इसका अर्थ हुआ कि आरोह में 6 स्वर लगेंगे और अवरोह में 7 स्वर लगेंगे। और राग खमाज खमाज थाट का सबसे प्रमुख राग है। इसे आश्रय राग भी कहते हैं, यानी कि सबसे निकटतम राग खमाज थाट का। वादी स्वर गंधार, संवादी स्वर निषाद, गायन वादन का जो समय है वो रात्रि प्रथम प्रहर। आरोह देखें, इस प्रकार आरोह अवरोह बजाना है। फिर से आप देखें, पकड़ गा नी धा पा, कोमल नी धा पा, ग म प म ग, आइए राग खमाज में कुछ आलाप जारी दिखाता हूं और आपको बताता हूं आप कैसे कैसे इसमें बजाएंगे। याद रखिएगा कि अवरोह में रे लगता है, आरोह में रे छोड़कर चलेंगे। सागमा पमाग गामा पधामा पमागा, गामा पधा पधा पम पमागा, सागमा पमागा रे सागा। गवादी स्वर है, इसलिए न्यास यानी ठहराव हमेशा गंधार पर ही करेंगे। सागमा धा
Sa-ga-ma-da-pa-da-pa-da-pa-ni-da-pa-ma-ga. Pa-da-pa-ni-da. Pada panida, pada pada pa, pada ma pa ma ga. Ga re sa ga. Sa ga ma pa da ni, sa ga ga ma ma pa pa da da ni. गमा पधा नी नी नी. इस तरह से टैप करना है तो धा का कण शुद्ध निषाद पर लगेगा. गमा पधा नी द मीड से. धानी धानी धा प पधा पधा प मा प मा प मा. निशुद्ध लग रहा है. नींदा पमग सागा मा पमा. सामा गा गा पमा मा दा पा पा नींदा. निशुद्ध रहा है. Saga ma pa ni, ga ma da ni da ni. Saga ma da ni da. Da ni da pa ni komal. Da ni da pa. Pada pani da pam. Pada pani da pam ma pa ma pa ma ga. Sa ga ma pa ni ni ni. Sa ga ma pa ga ma pa da. Ma pa da ni. Ni 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 ni. Sa. नीचे के सा में चले आए. बजाइएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा. ये जो आलाप है बिल्कुल जो मन में आ रहा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ. मैंने बरसों रियाज किया है. उस रियाज के बदौलत जो मेरी कल्पना में आ रहा है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. हालांकि जो गुरुजन बताते हैं वो एक अलग पैटर्न होता है. एक एक स्वर को दिखाना सुनना समझाना ठीक है ना. लेकिन बाद में जब आप अभ्यास करते करते एक टाइम पास कर जाता है तो फिर आपके अंदर से वो राग की जो प्रस्तुति होती है वो खुद निकल कर आती है. और वही प्रस्तुति मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. Gamadani Nida Nisa 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 Nisa
सा गा मा दा नी दा, अब लोअर ऑक्टेव में नी दा, नी सा नी सा, रे सा कोमल नी दा, सा रे सा रे सा नी, नी सा नी सा नी दा, कोमल नी के साथ नी सा नी दा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कोमल नी अब आरोह में लग रहा है, लेकिन है नहीं, नी सा नी दा, चूंकि नी से शुरू करके फिर हम दा पर आते हैं, तो इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। धनी धा पद वानी धा प माग, इसमें जो कोमल नी लेना है आपको, पधा वानी धा प माग, ग म प धा प धा प माग रे सा गा। आपने देखा होगा ऋषभ का प्रयोग सबसे कम हुआ है। अब ग म ध नी 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 द नी सा, सारे सारे सा नी सा नी सा नी द। अब यहाँ दोनों नी प्रयोग कर रहे हैं, सारे सारे सा नी सा कोमल नी द, ये भी इसकी एक खूबसूरती है। पधा नी सा नी दा प, आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल। सा सा गा रे सा, सा रे सा नी नी सा नी दा दा नी दा प, पधा पम्मा पम्मा गा, पधा पनी दा पम्मा गा, नीचे जब आते हैं तो सा के बजाय गंधार पर ज्यादा रुका जाता है। सा पर भी रुक सकते हैं, लेकिन महत्तम रूप से यानी ज्यादातर गंधार पर ही रुकने का प्रावधान है। सा गा मा पा धा नी सा गा, गा रे सा, गा रे सा, सागरे सागरे सा, नी सा रे नी सा नी दा, ग म ध नी सा। तो ये था राग खमाज में वो कुछ खूबसूरत आलाप, बजाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके एपिसोड और भी कुछ आएंगे, उनको वॉच करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग मी, अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।